अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एग पिज़्ज़ा। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो आप नोट डाउन कर लें। अंडे 3 अदद, शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई आधी, एक गाजर लेकर इसको भी बारीक चॉप कर लें, आधी प्याज बारीक चॉप की हुई, ब्रेड क्रम्स आप 1 या 2 स्लाइसिस का चूरा बना लें, चीज़ इसमें मैंने 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें इनको भी बारीक काट लें और थोड़ा सा केचप। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करें, इसमें प्याज डालकर हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें हम सारी सब्जियां भी शामिल कर लेंगे, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च वगैरह। सारी सब्जियां डालकर हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सब्जियां हल्की फ्राई हो गई हैं, हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लें। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करके अंडे फेंट कर इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह फैलाकर अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डाल दें। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर केचप लगा दें, बचे हुए ब्रेड क्रम्स डाल दें। अब ये जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई करके रखी थी वो इसके ऊपर डाल दें। सबसे आखिर में हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। चीज़ डालने के बाद हल्का सा दम दें और चूल्हा बंद कर दें। प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा एग पिज़्ज़ा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।